दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के टॉप 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांथी में जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसानों का दुश्मन बताते हुए जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन ममता दीदी इन योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और किसान नौजवान सब खुशहाल होंगे। बंगाल का विकास, यहां के लोगों का विकास, ये बीजेपी का कमिटमेंट है, ये बीजेपी का संकल्प है। बंगाल का उज्जवल भविष्य, इसके लिए हम जी जान से जुट जाएंगे, ये वादा करने में आया हूं। बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को रोकने और वैक्सीनेशन तेज करने की तैयारी है। इसके लिए 134 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई है। अगले 3 से 4 महीनों में प्राथमिक गटों को यहां से कोविड वैक्सीन की 2 डोज देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज विभागीय आयुक्तों के साथ बैठक में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर टीकाकरण केंद्रों पर योग्य सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही रोजाना 3 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने, आरोग्य विभाग को जरूरी तैयारियां करने का भी निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में आईपीएस परमवीर सिंह के चिट्ठी बम से उद्धव सरकार की नींव हिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सरकार की उदासीनता और ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की और विशेष ध्यान देने की मांग की। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली। इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है, किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। एंटीलिया से जुड़े मनसुख हिरेन मौत और सचिन वाजे प्रकरण में देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और केस से जुड़े सीलबंद दस्तावेज देकर मामले की सच्चाई उजागर करने की मांग की है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जो दस्तावेज जमा कराए हैं वे गोपनीय हैं, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 1 नहीं 4 केस दर्ज करे सरकार, मैं डरने वाला नहीं हूं और इसका जवाब कोर्ट में देने के लिए तैयार हूं। मामले में FIR भी दर्ज हुआ तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैंने महाराष्ट्र के हित के लिए ये काम किया है। जो एक प्रकार से गुनाह हुआ था और उस गुनाह को छुपाया गया था, 25/8 को रिपोर्ट जाने के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को छुपाने का काम इस सरकार ने किया था, उसको अगर मैंने उजागर किया है और महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया, ये अगर गुनाह है तो ऐसे 4 गुनाह मैं और करूंगा और मैं कैसे सही हूँ ये मैं न्यायालय में जाकर बताऊंगा। महाराष्ट्र में अब 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई है। अब तक यह वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों के लिए दी जाती थी जो कोमार्बिड हैं, यानी जिन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर या इसी तरह की दूसरी बीमारी है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बढ़ते हुए कोरोना को रोकने, 45 साल से ऊपर के सामान्य जनों के लिए भी वैक्सीन देने की मांग की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने मंजूरी प्रदान की है। सीएम उद्धव ने इसके लिए पीएम मोदी के प्रति आभार भी जताया है। आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई
और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर दो फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। नवीन भाई, मनपा परिवहन उपक्रम ने ऐरोली बस डिपो से दीवा रेलवे स्टेशन के बीच 86 नंबर की नई बस सेवा प्रारंभ की है। 22 मार्च से प्रारंभ हुई यह बस सेवा ऐरोली डिपो से रोज सुबह 7:50 बजे छूटेगी और कलवा मुमरा रेलवे स्टेशन सील फाड़ा होते हुए दीवा रेलवे स्टेशन तक जाएगी। दिन भर में 5 फेरियां चलेंगी। 60 से 65 मिनट में सफर पूरा होगा। ऐरोली से पहली बस सुबह 7:50 बजे और आखिरी 17:50 बजे छूटेगी। वहीं दीवा से पहली बस सुबह 6:45 बजे और आखिरी बस 19 बजे रवाना होगी। यात्रियों से इस बस सेवा का लाभ उठाने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए नवी मुंबई मनपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने शहर में स्वच्छता अभियान का जायजा लिया, जहां उन्हें कई विसंगतियां देखने को मिली। आयुक्त ने अधिकारियों से स्वच्छता कराने और बदहाल शौचालयों दीवारों को ठीक करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका ने स्वच्छता उच्चांक में प्रथम आने के लिए नारा दिया है, निश्चय केला नंबर पहला। नवी मुंबई से सटे पनवेल महानगर पालिका में कर वृद्धि को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और महाविकास आघाड़ी आमने सामने आ गए हैं। हालिया महासभा में विपक्षी नगर सेवकों ने इस पर जमकर हंगामा किया और हफ्ते भर के भीतर विशेष महासभा बुलाकर कर वृद्धि पर चर्चा करने की मांग की। इस पर महापौर कविता चौतमोल ने हामी भर दी है। एनसीपी और शेकाव विरोधी दलों की दलील है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने संपत्ति करों की वृद्धि कर जनता के सिर पर नया बोझ लाद दिया है। वहीं बीजेपी का जवाब है कि संपत्ति कर मनपा का इकलौता बड़ा राजस्व स्रोत है, जिसे बढ़ाना मजबूरी है। विश्व क्षय रोग दिवस पर पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने सरकार और जनता को सावधान किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते रोगियों की संख्या क्षय रोग का अल्टीमेटम है। बीजेपी विधायक ने कहा कि नवी मुंबईकरों के लिए ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा है। गणेश नाइक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि नवी मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल एक्शन नहीं लिए गए तो यह हजारों नागरिकों की सेहत और जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नवी मुंबई महानगर पालिके या महापालिकेच्या क्षेत्रात आशियातला सगळ्यात मोठा केमिकल झोन आहे। कधी कधी रात्री मी पर्यावरण मंत्री 10 वर्ष पर्यावरण मंत्री होतो, मी त्या कालखंडामध्ये मी नियंत्रण आणलं होतं, पण आज अशी परिस्थिती आहे कि रात्री जर त्या ठिकाणी जर उठल्यानंतर बघितल्यानंतर धुळीचा आणि धुराचं साम्राज्य त्या ठिकाणी भासतं, भासतं नाही असतं। त्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, टीबीचे आजार बळावलेले आहेत, श्वसनाचे आजार बळावलेले आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये पर्यावरण मंत्रालयानं निश्चितपणे जर एक जबाबदारीनं बंधनं घातली पाहिजेत। ज्या कंपन्या जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि नॉईज प्रदूषण, म्हणजे हवेचं आवाजाचं प्रदूषण करतात, या घटकांना रोखलं गेलं पाहिजे। आणि ती जर नाही केली तर निश्चितपणे कधी ना कधी नवीची जनता टीबीग्रस्त होईल। माथाडी नेता और संसदीय चुनाव लड़ चुके नरेंद्र पाटील ने शिवसेना छोड़ने की घोषणा की है। नवी मुंबई के एपीएमसी में आयोजित अपने पिता स्वर्गीय अन्नासाहब पाटील की 39वीं पुण्यतिथि पर माथाड़ियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र पाटील ने कहा कि उन पर शिवसेना का 42 लाख का चुनावी कर्ज है, जिसे उतार कर वे शिवसेना से मुक्त होना चाहते हैं। पूर्व एमएलसी नरेंद्र पाटील ने कहा कि वे शिवसेना छोड़ेंगे और आखिरी सांस तक देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे। पाटील ने शिवसेना के कामकाज पर भी सवाल उठाया है कि मी देवेंद्रजीचा आहे आणि लवकरच या शिवसेनेच्या असणाऱ्या कर्जापासून लवकरात लवकर मी मुक्त होईल। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं घोषित हो गई हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलेगी, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 23 अप्रैल से 21 मई तक चलेंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें परीक्षा के तनाव से घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के कारण अभ्यास नहीं हो सका, इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने 80 नंबर के प्रश्न पत्रिका के लिए 30 मिनट ज्यादा और 40 से 50 नंबर वाली प्रश्न पत्रिका के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है। दिव्यांग परीक्षार्थियों को
प्रश्न पत्रिका हल करने के लिए 20 मिनट का ज्यादा समय दिया गया है। सभी परीक्षाएं छात्रों के संबंधित स्कूलों में होंगी। जहां सीटें कम पड़ेंगी वहां नजदीक के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर भी कहा है कि परीक्षा के 10 से 15 दिनों बाद छात्र अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे सकेंगे। 10वीं व 12वीच्या परीक्षेपेक्षा निश्चितच आगळे वेगळे आहे, कारण गेल्या वर्षभर आपण सर्वजण कोरोना सारख्या विषाणू सोबत लढा देत आहोत। शाळा क्लासेस बंद आहेत, घराबाहेर निघायला बंदी, अशा अनिश्चित परिस्थितीमध्ये तुम्हाला तुमचा अभ्यास करावा लागला आहे। शाळा बंद आहे, शिक्षकांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळालेले नाही, तरी मित्रांनो तुम्ही आपला अभ्यास नक्कीच व्यवस्थित केलेला असेल याची मला खात्री आहे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।